बताऊंगा कि आप अपने स्नैपचैट को अपने पीसी में कैसे यूज कर सकते हो। इस फीचर का यूज करके आप एक से ज़्यादा अकाउंट को भी एक्सेस कर सकते हो या फिर अपने अकाउंट को एक से ज़्यादा जगह से लॉगिन भी कर सकते हो। सो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। पीसी पे स्नैपचैट यूज करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इसे एक्सेस कर सकते हो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का यूज करके। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली ये सर्च बार में आपको सर्च करना होगा स्नैपचैट। मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा स्नैपचैट। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस देखने को मिलेगी। आपको सिंपली यहाँ पे ओपन वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ ओपन करते ही आपको स्नैपचैट की इंटरफेस खुल जाने वाली है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो अपना यूजर नेम और पासवर्ड, और आप साइन अप पे क्लिक करके एक नया अकाउंट भी बना सकते हो। बट अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आपको इसे एक्सेस नहीं करना है तो आप इसे अपने गूगल क्रोम या किसी भी दूसरे ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा स्नैपचैट। स्नैपचैट सर्च कर लेने के बाद आपको सबसे फर्स्ट साइट पे आपको जाना होगा snapchat.com पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ लॉगिन टू चैट पे वाले बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर आपका स्नैपचैट पे अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्रिएट करके एक नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। आईडी और पासवर्ड फिल करते ही आपको कुछ इस तरीके की इंटरफेस देखने को मिलेगी। आपको सिंपली यहाँ स्नैपचैट पर वेब पे क्लिक करना होगा और इसे करने के लिए आपको एक नोटिफिकेशन भेजी जाएगी जो कि एक कन्फर्मेशन होने वाली है कि आप वेब पे एक्सेस करना चाहते हो कि नहीं। ये आपको आपके फ़ोन में भेजी जाएगी। तो आपको सिंपली अपने फ़ोन में जाना है तो वहाँ एक नोटिफिकेशन बार में एक ऐसा कुछ नोटिफिकेशन होगा न्यू स्नैपचैट लॉगिन जस्ट नाउ। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है आर यू ट्राइंग टू एक्सेस अ स्नैपचैट फ्रॉम अ वेब ब्राउजर। और यहाँ आने के बाद आपको सिंपली यस वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब है कि आप ऑथेंटिकेट कर दे रहे हो। उसके बाद आप वेब ब्राउजर को आसानी से यूज कर पाओगे। उसके बाद ब्राउजर में आपको कुछ इस तरीके के इंटरफेस देखने को मिलेगी। आपको सिंपली गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करना होगा और आपकी सारी की सारी चैट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपको जो भी परमिशन ये मांगेंगे उसे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से अपने स्नैप्स को देख भी सकते हो और भेज भी सकते हो। कॉलिंग की भी फीचर्स यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि स्नैपचैट का एक शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे बनाना तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ तीन डॉट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ मोर टूल्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट शॉर्टकट। ये जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक स्नैपचैट के नाम से आप क्रिएट कर लो और आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पे आपको एक स्नैपचैट का शॉर्टकट देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली उसे क्लिक करके भी आप उस साइट पे जा सकते हो। ये सिंपली आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस वाले इंटरफेस पे। सो आप इन दो तरीकों से स्नैपचैट को यूज कर सकते हो बिना डाउनलोड किए हुए। होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके दिमाग में चल रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर कमेंट करने जा ही रहे हो तो रास्ते में आपको एक सब्सक्राइब का बटन भी मिलेगा, आप उसे भी दबा सकते हो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।